गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। और फिलहाल तो मैं आई हूँ अपनी किचन में, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ किचन में ही। और मैं बनाने वाली हूँ आज बहुत ही कम समय में बनने वाली सब्जी है, और जो बहुत टेस्टी है। सपोज़ कभी ऐसा होता है कि घर में सब्जी वगैरह नहीं होती है और हम मम्मा क्या बना रहे हो? मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग खिलाओगे क्या? ब्लॉग के साथ रोटी बना लूँ क्या? नहीं, मैंने सोचा ब्लॉग के साथ रोटी बना लूँ। सही बात है, टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा ना। क्यों गाइस, ब्लॉग के साथ रोटी बना लूँ? सिर्फ ब्लॉग और रोटी खा लेते हैं। सही है, बताओ क्या बना रहे हो? मैं तो ब्लॉग ही बना रही हूँ, और मैंने चावल बना लिए हैं। मैं सोच रही रोटी भी बना लूँ ब्लॉग के साथ ही। बताओ क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ आज प्याज और टमाटर की सब्जी। ये है, एक सेकेंड, हो गया हो गया, वेट। ये अथर्व का ये इसका रिएक्शन इसलिए ऐसा आया था क्योंकि इसको ये वाली सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घर में मुझे सब्जी नहीं है, सब्जी सारी पड़ी हुई है। मैं दिखा दूँ आपको, इसमें बीन्स भी है, गोभी भी है, और सारी सब्जियां पड़ी है। बट आज मैंने बनाई थी कढ़ी, तो गाइस कढ़ी बची हुई है क्यों, और फिर मैं उसको थोड़ा घी वगैरह डाल के फ्राई कर दूंगी। और मैं बना रही हूँ आज ये प्याज की सब्जी, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है और बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो जल्दी से जल्दी सिर्फ और सिर्फ ये 10 मिनट्स में बनने वाली सब्जी है। अगर आपने ये चॉपिंग कर ली है तो सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि जिससे आपको बहुत जल्दी में कुछ बनाना हो तो ये सब्जी आप बनाइए। यकीन मानिए, ये जब आप बनाओगे तभी आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्या, मतलब ये कितनी टेस्टी है, कितना क्या, क्योंकि ये मैं तो दिखा रही हूँ आपको ऐसे। बाकी जब आप इसे बनाओगे गाइस तो आपको वीडियो पता को चलेगा। पूरा देखना और बिल्कुल भी कहीं से स्किप मत करना। ये रेसिपी अगर नहीं जानोगे तो भाई क्या करोगे। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं बनाने वाली नहीं थी, फिर मैंने कहा चलो एक बार शेयर कर देती हूँ ताकि मेरी, हो सकता है कि मैंने फोर्स किया था। लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ ये सिर्फ लगा लो आप, सिर्फ 5 मिनट्स में बनती है ये, अगर आपने चॉपिंग ऑलरेडी कर ली है। और इसके लिए ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा मैंने ये चॉपिंग कर ली है, चॉपिंग करके मैंने इसको रख लिया है, और अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बताती हूँ कि कैसे फ्राई करना है। तो अब मैं करूँगी कैमरे को फ्लिप। 3, 2। सो गाइज, अब मैं करने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है चॉपिंग हो चुकी है। इस चॉपिंग में सिर्फ प्याज टमाटर गए हैं, और इक्वल पार्ट में टमाटर और प्याज को लेना है आपको। सो गाइज, आप देख सकते हैं, हाँ आपको प्याज लेना है, टमाटर लेना है, और यहाँ पे आपको खूब सारी मिर्ची, खूब सारी आप जितना खाते हो खा सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। हम तो इतनी खाते हैं, हमें मजा आता है, क्योंकि ये मिर्ची ना बहुत तेज नहीं है, बहुत तीखी नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्पाइस आता है जो है, ऑयल गया है, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, मैं पहले आपको बता रही हूँ। तो मैंने आज बनाई है दो, अगर मैं दो सब्जी बनाती हूँ, इधर दिखाओ, दो सब्जी अगर मैं बनाती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कम तेल यूज़ करूँ, बट अब मैंने इसमें एक ही सब्जी बनाई है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, क्योंकि ये जो सब्जी है तेल में ही बनती है, तो इसके लिए मैंने तेल ले लिया है। अब मैं यहाँ दिखाओ, अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, ज़्यादा नहीं, देख सकते हैं जैसा कि इतना ही डालना है, अभी तेल को थोड़ा गर्म, बन भी नहीं है तो हाफ है। तो अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें, मम्मी ने डाल दिया 1 टीस्पून, और आप देख सकते हैं किस तरीके से खोल रहा है, और कुछ देर में जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा इसका कलर आ जाए ब्राउन कलर में। बस मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल दूंगी, सारी चीज़ें एक साथ जाएगी इसमें, प्याज टमाटर लहसुन, मैंने लहसुन भी डाल दिया है, थोड़ा लहसुन भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो लहसुन भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ऐसे वैसे नीचे भी गिर गया था थोड़ा सा, तो हमने उठा के डाल दिया। तो अब मैं जो है इसमें जो ये मसाले हैं ना, मैं मसाले भी साथ में ही डाल दूंगी इसमें। मैंने 2 टेबल स्पून ही है, ये उससे भी छोटा ही है। इसमें मैंने लिया है धनिया, टेबल स्पून तो बहुत बड़ा है, ये हाफ है। और अब मैं लूंगी इसमें हल्दी, देख सकते हैं आपको ज़्यादा नहीं डालेगा, थोड़े इतना डाल, मतलब जितना वो होगा। और इसलिए मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है गाइस, बहुत ही
मतलब क्या बताऊँ, बस तीखी नहीं, लाल लग रही है, तीखी नहीं तो है, तीखी आपको तीखी लगती होगी या शायद आपने ज़्यादा मिर्च डाल दी हो। ये गया, इसमें बस कितने मसाले जाएंगे, हाँ एक मसाला मैं और ऐड करूँगी, ये दिखाओ आप एक सेकेंड। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने उसमें ऐड किया, तेल गरम किया, तेल गरम करने के बाद मैंने जीरा डाला, उसमें जीरा डालने के बाद मैंने प्याज टमाटर और जो भी मैंने कटिंग करी थी, जो भी चॉपिंग करी थी, वो मैंने डायरेक्ट उसमें डाला है। ये नहीं है कि प्याज अलग डालना है, टमाटर एक ही साथ डालना है और मसाले भी एक ही साथ डाल दिए हैं। मसाले में भी मैंने सिर्फ जीरा, जीरा का पाउडर और धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। एक जो मसाला है वो बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, वो है चिकन मसाला या फिर मटन मसाला। ठीक है, चिकन मटन मसाला ये नहीं है कि इसमें चिकन डला हुआ है, ये सिर्फ एक मसाला ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम चिकन मसाला डाल रहे हैं तो चिकन ही बना रहे हैं, चिकन जो खाते हैं वही यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी यूज़ करते हैं, ये मसाला ही है। ठीक है गाइस, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, बट ये जो फ्लेवर जो आता है, मेन फ्लेवर जो आता है वो इसी से आता है। तो ये मेरे पास अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा जितना आपको पसंद है। ये लिया है मैंने सेंधा नमक, ये सेंधा नमक मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैंने कढ़ी में सफ़ेद वाला नमक डाला है, दो डेढ़ चम्मच, दो एक चम्मच से ज़्यादा उसे यूज नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से मैं इसमें डालूँगी सेंधा का नमक। और मैं इसको बनाऊँगी बहुत स्लो आंच में बनाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद मैं कैमरे को फ्लिप करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे बन रहा है ये। तो चलिए, बाकी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मैंने बताया है, 5 मिनट्स में बन जाते हैं ये सब्जी, बन जाती है और बहुत यम्मी होती है। और उसके बाद से आप इसे रोटी के साथ भी यूज़ कर खा सकते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, आई होप कि आपके बच्चों को भी पसंद आएगा या फिर आपको भी पसंद आएगा, और ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए फिर मैं जब ये बनता है फिर मैं आपको इसका वो दिखाऊंगी कि ये बन के कैसा लगा। जब ये बन के ऐसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना है और लगभग ये रेडी हो चुका है। तो इसको ऐसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसे क्या बोलते हैं, डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रखिए इसको। और बस ये रेडी हो चुका है बनके, और ये एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, और बच्चों को भी पसंद आएगा, हमें तो पसंद आएगा ही क्योंकि ये थोड़ा चटपटा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइज ये थी आज की स्पेशल रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और आज का डिनर मेरा बन चुका है। डिनर में मैंने आपको ये भी दिखा देती मैंने क्या। सो गाइज मेरी सब्जी तो बनके रेडी हो चुकी है, और मैं मुझे लगा था आपके साथ मैं शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मेरा बेटा हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उसको इतना ज़्यादा पसंद है कि वो मतलब थोड़े से दाल में अगर मिर्ची हो जाती है तो नहीं खाता, बट ये वाली सब्जी वो ज़रूर खाता है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे भी अच्छा लगता है उसके लिए बना के कि वो अच्छे से रोटी वगैरह खा लेता है इसके साथ, वो उसको अब ये इसकी इसी सब्जी के साथ रोटी खाएगा, ना दही लेगा ना कढ़ी लेगा, सिर्फ इसके साथ ही खाएगा। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ बनाइए प्यार से बनाइए, अगर आप प्यार से बनाते हैं तो कोई भी चीज़ अच्छी बनती है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है आप बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और आई एम श्योर कि आप ज़रूर कहेंगे कि यस यार ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ये भी लगता है कि किसी किसी कोई कोई बनाते भी होंगे, बट जो नहीं बनाते हैं उनके लिए नई रेसिपी है, जो बनाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। और कभी कभी तो गाइज़ चलिए फिर, मुझे लगता है कि ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है आपको अच्छी लगेगी। और मेरी मम्मी की कॉल आ रही है, मैं उनकी कॉल को लेती हूँ क्योंकि मम्मी को ये लग रहा है कि आज बीच में मम्मी की कॉल आ गई थी, एक्चुअली मम्मी से बात नहीं हो पाई है, तो मम्मी थोड़ा सा परेशान हो रही है, आज मैं थोड़ी बिज़ी थी। और गाइस मैंने बोला था कि अभी मैं आज मार्केट गई थी तो मार्केट में कुछ काम था और स्कूल जाना था, तो इस वजह से आज मम्मी से बात नहीं हो पाई है। तो फिर मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बनाती हूँ अपनी, मतलब ब्लॉग क्या, ये रेसिपी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलिए फिर ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और गाइस बनाइएगा ज़रूर। आप में से कई लोग होंगे जो जानते हैं इसको बनाना, जो जानते हैं उसके लिए क्या कहूँ मैं, जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर बनाइएगा, और बनाइएगा ज़रूर क्योंकि जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा, और हो सकता है कि आपके बच्चों को भी पसंद आ जाए, या बच्चे जिनके नहीं हैं उनको खुद ही पसंद आ जाइए। और ये 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।